तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। लेकर आ चुके हैं एक और नया रूम चैलेंज दोस्तों, और यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है। इसमें आप सीख सकते हो, अपना गेम प्ले देख सकते हो, और साथ में दोस्तों यहां पे कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है एक गेम प्ले में, वो भी यहां पे आप देख करके उसे आसानी के साथ लर्न कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस गेम प्ले में हम आपको काफ़ी सारे ट्विस्ट बताएंगे, काफ़ी सारे ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे, और साथ ही दोस्तों गेम प्ले को कैसे इम्प्रूव किया जाता है आप इस वीडियो को देख करके आसानी के साथ सीख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स के जो कॉन्फिडेंस है वो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से खेलना चाहिए और कैसे अपने टीम के साथ सपोर्ट बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम अब प्लेन की बात की जाएंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी टीम जुड़ चुकी है, 14 टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। और यहाँ पे प्लेन की बात की जाए तो शूटिंग रेंज से लेकर के मिल्टा पावर के बीच दोस्तों ये प्लेन है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे उतर सकते हैं, यासना या रॉनहॉक स्कूल पोचिंग की नोव तक यहाँ पर जा सकते हैं बंदे। फ़िलहाल एक टीम ने तो यहाँ पर जंप लगा भी दिया है, जो कि है BSR अल्फू की टीम। मुझे लगता है ये शायद जॉर्जो फुल की तरफ अपना रुख करेगी, जबकि बाकी टीम अभी तक लैंड नहीं की है। चलिए रावण की टीम ने भी यहाँ पे जंप कर दिया है, और वो शायद यहाँ पे रॉनहॉक की तरफ रुख करना पसंद करेंगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी और टीमों ने भी जंप कर दिया है। यहाँ पे शेख अफ़ान की टीम स्कूल की तरफ जा रही है, जबकि यहाँ पर ज़ारा की टीम यहाँ पर यासना की तरफ जा रही है, साथ में दो और टीमें भी है। तो काफ़ी सारी टीम ने यहाँ पे जंप लगा दिया है, पुष्पा की टीम ने भी जंप लगा दिया है, एविल एक अकेले बंदे हैं। तो चलिए इस मैच में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पे लैंडिंग हो रही है और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यासना में फ़ाइट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलहाल नईम पटेल और मिस्टर खिलचोर यहाँ पर लैंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्स क्रिमिनल एक अकेले ही बंदे हैं, उसके साथ यहाँ पे यासनाया में बात की जाए तो यहाँ पे तीन और एक चार टीमें यहाँ पे लैंड कर चुकी है यहाँ पे। और क्रिमिनल पे पूरी तरीके से दबदबा हासिल करते हुए अफू यहाँ पे पहले ही उतरते ही यहाँ पर अफू ने अपना पहला किल अपनी टीम को दिलवाया है। एक रूम का पहला किल यहाँ पर अफू ने दिलवाया, और साथ ही एक्स क्रिमिनल को पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश ही कर दिया, जबकि अभी भी क्रिमिनल का एक बंदा बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रा मोहा की टीम एक तरफ है, एक तरफ ज़ारा की टीम है, और एक तरफ एक अकेला बंदा। तो चलिए देखते हैं यासना में कौन किस पर सबसे ज़्यादा हावी होता है। इस वीडियो को देखते रहे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको यह वीडियो में पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस अगर एक बंदे में हो तो वो अकेला ही विन कर सकता है। तो इस रूम चैलेंज में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्विस्ट देखने को मिले हैं जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़िलहाल ज़ारा यहाँ पे अटैकिंग फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। हाइड्रा मोहा अभी भी लूट कर रहे हैं, किलर मीनू यहाँ पे मुझे लगता है स्पॉट कर लिया है टीम नंबर 10 यानी कि हाइपर ताहिर को, मिस्टर स्ट्राइक को। तो चलिए जी हाँ, यहाँ पे VSS का फायर हो सकता है, और जी हाँ उन्होंने स्पॉट कर लिया है, VSS का फायर किया है, लेकिन यहाँ पर VSS अभी इतनी पावरफुल नज़र नहीं आई है। चलिए मुझे लगता है अब दोनों ही टीम ने आपस में स्पॉट कर लिया है, तो यहाँ पे फाइट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे शामियान है जो भी अपने लूट यहाँ पे मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रा मोहा मुझे लगता है ज़ारा के पास जाने की सोच रहे हैं और उनको वहाँ से फिनिश करने की कोशिश शायद कर रहे होंगे। अभी सभी प्लेयर्स अपनी लूट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर मुकाबला कौन कौन सी टीम के बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों जो टीम है वो काफ़ी सही है। फ़िलहाल गॉड शन्नी लूट करते हुए यासना का एक ज़बरदस्त नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार टीम के बीच में मुकाबला। दूसरी टीम की तरफ अगर हम एक बार रुख कर दें यहाँ पे, तो स्कूल की तरफ अभी भी यहाँ पे दो टीम के बीच में फाइट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ब्लैक बड़ी और यहाँ पर क्रेजी सॉबी की टीम आमने सामने फायरिंग होता हुआ। क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे फायर हो रहा है, डैमेज हमें दिखाई दे रहा है। ब्लैक बड़ी यहाँ पे पीपी से यहाँ पे नॉकआउट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पीपी का स्प्रे है वो यहाँ पे नो रिकॉल की तरह जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे।
और यहाँ पे एक SMG गन तो दोस्तों रखनी ही चाहिए, क्योंकि SMG गन्स का जो रिकॉइल कंट्रोल है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है। यहाँ पे अपने ही बंदे पे गोली चला रहा है ब्लैक बडी, मुझे लगता है इनके शायद पता नहीं है। एक तरफ यहाँ पे रोंज हॉक में दरबार की टीम पीछे से वार कर सकती है, जो कि यहाँ पे हनी की टीम को काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेजी सॉबी अभी भी यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट में काफ़ी सेफ, जबकि यहाँ पे बीच में जो ब्लैक बडी की टीम है उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जबकि साउल मोइन यहाँ पे अभी भी लूट बरकरार रख रहे हैं, रावण भी अपनी लूट को मुकम्मल कर चुके हैं M4 उनके पास, लेकिन शायद वो मैक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बंदे की लड़ाई हो चुकी है यासनाया में, आप देख सकते हैं हाइपर ताहिर यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, शायद यहाँ पे अवजू पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, ताहिर भी डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रा मुहा की टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त फायरिंग किया है, उस तरफ ज़ारा भी यहाँ पे पिक लेकर के बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट से अपार्टमेंट के बीच में जो लड़ाई है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फायर, अफजू को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है किलर मीनू ने VSS से, और यहाँ पे बैकअप के लिए फ्री फायर देते हुए, लेकिन यहाँ पे दरवाजे के पीछे बुला लिया है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बच चुके हैं अफजू, यहाँ पे एक और जीवनदान मिला है। किलर मीनू VSS का फायर दे रहे हैं ताकि पता न चले आखिर बंदा कहाँ से फायर कर रहा है। तो किलर मीनू की ये शानदार स्ट्रेटजी, लेकिन किलर मीनू यहाँ पे थोड़े से हेल्थ कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़ारा की टीम किलर मीनू को स्पॉट कर लिया था और वहाँ से फायरिंग दे रही है। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो सकती है फ़िलहाल दोनों की टीम को। मास्टर को यहाँ पे रिवाइव कर दिया है मिस्टर स्ट्राइक अफजू को, और यहाँ पे आप एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे तीनों ही बंदे फ़िलहाल ना हाइड्रा मुहा के नागिन डांस करते हुए, मुझे लगता है यहाँ पे रश हो सकता है। अगर टीम 10 पूरी तरीके से यहाँ पे अटैकिंग फॉर्म लाती है तो यहाँ पे हाइड्रा मुहा की टीम को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अपार्टमेंट है, और यहाँ पे अगर एक ग्रेनाइट अगर सही से आता है तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे फिनिश हो सकती है। गोल्ड सनी की बात की जाए तो 10 नंबर की टीम यानी कि हाइड्रा मुहा की टीम को यहाँ पर मुझे लगता है स्पॉट कर लिया है, और धीरे धीरे पुश कर रही हैं फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरी लूट। हाइपर ताहिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, एक तरफ हाइड्रा मोहा की टीम है, एक तरफ यहाँ पे ताहिर की टीम, एक तरफ यहाँ पे ज़ारा की टीम। चलिए देखते हैं, जी हाँ यहाँ पे हाइपर ताहिर ने यहाँ पे मुझे लगता है हाइड्रा मोहा की टीम पर अटैकिंग करने का सोच लिया है, क्योंकि उन वो VSS से फायर कर रहे थे और काफ़ी नाक में दम करके रखा था, तभी यहाँ पर हम इस तरफ नज़र कर ली जाए तो हाइड्रा मोहा अभी भी नागिन डांस कर रहे हैं। किलर मीनू की हेल्थ पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, लगता है मुझे इनके पास हेल्थ नहीं है। यहाँ पे ओपन में आ रहे हैं मिस्टर ट्राइकर एंड अफजू, जहाँ के दूसरे यहाँ पे ताहिर गाड़ी लेने के लिए निकल पड़े हैं। क्या लगता है यहाँ पे ओपन में आने का इंतज़ार करेंगे या फिर फ्री फायर देंगे उन्हें रोकने के लिए? वीडियो में बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाले दोस्तों। आपको यह देखकर एक चीज़ सीख सकते हो कि आप अपना गेम प्ले कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अटैक कर सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी गेम प्ले की जो स्किल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइकर एक गलती कर रहे हैं, ओपन में आ रहे हैं, जबकि किलर मीनू पूरी तरीके से यहाँ पर स्पॉट की कर लिए हैं, यहाँ पर फायर देने के बिल्कुल तैयार तो यहाँ पर गेम उल्टी हो गई। स्ट्राइकर का बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे आया और किलर मीनू को पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन कर दिया है, नॉकआउट कर दिया है। टीम नंबर 10 यानी कि हाइपर ताहिर की टीम ने यहाँ पे पूरी तरीके से रश करने का सोच लिया है। चलिए ऊपर से एक शानदार आपको व्यू देते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं किलर मीनू को यहाँ पर डाउन है पूरी तरीके से, और यहाँ पर किलर मीनू को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है मिस्टर स्ट्राइक ने। यहाँ पर हाइड्रा मुहा को फिनिश कर दिया है, यहाँ पर M4 इसकी यहाँ पे किलर मीनू को यहाँ पे डाउन कर दिया। हाइपर ताहिर का ग्रेनाइट से यहाँ पे अपने ही टीम मेंबर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से गलती की है, यहाँ पे शामियान इनके टीम का सबसे गलत बंदा साबित हुआ, जिन्होंने गलत पोजीशन ली हुई थी, फायर नहीं किया, जिसकी वजह से किलर मीनू को खामियाजा भुगतना पड़ा और वो टीम एलिमिनेट हो चुकी है। और टीम नंबर 10 का जो दबदबा है यानी कि अभी भी बरकरार है किलर मीनू का,
जबकि दूसरी टीम की बात की जाए तो अभी यहाँ पे अमीन यहाँ पे पूरी तरीके से एग्रेसिव फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ज़ारा की टीम यहाँ पे तीनों बंदे एक ही यहाँ पे पोजीशन पर है। अगर एक ग्रेनेड आता है तो शायद यहाँ पे भी काम फिनिश हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज़ारा की टीम ने यहाँ पे अमीन को स्पॉट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे यह बंदा अभी पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी है अटैक करने के लिए। उस तरफ से ज़ारा हाइड्रम हाइपर ताहिर यहाँ पे अटैकिंग करने को तैयार है। यहाँ पे मास्टर की लड़ाई हो चुकी है, डोबू को पूरी तरीके से डाउन कर लिया है। आंख हनी ने साउल मोइन को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है। रावण ने ब्लैक बडी को डाउन कर दिया है, ब्लैक बडी को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। रावण ने हनी को फिनिश कर दिया है, यहाँ पे पटेल ने वातुल को फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फाइट तीन टीम के बीच में यहाँ पे हो रही है, जबकि रावण और साउल मोइन पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन है। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे साकू ने टीम दरबार को यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत पोजीशन पे ये रिवाइव ले रहे हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है। क्या लगता है यहाँ पे यह टीम सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि अभी तक इनकी टीम ने 3 किल यहाँ पे ले लिए है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे डार्क की टीम पहुँच चुकी है। यानी कि 3 टीम के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला मिनी 14 चला रहा है। यहाँ पे एम पटेल ने यहाँ पे सावड़े को पूरी तरीके से नॉकआउट कर दिया है, सेडो को पूरी तरीके से फिनिश भी कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पटेल की टीम के बीच में मुकाबला हो रहा है। मिस्टर किलचोर यहाँ पे मुझे क्या लगता है क्या होने वाला है, क्योंकि रोबोट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ईगल वरुण सामने है जो कि कल के मुकाबले में मिस्टर किलचोर के पार्टनर थे। पटेल जो कि एक एग्रेसिव गेम प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यहाँ पे अटैकिंग फॉर्म में ज़्यादा नज़र आता है। फिलहाल 1 किल पटेल का है, ग्रेनाइट यहाँ पे किया है ज़बरदस्त पटेल ने, यहाँ पे पूरी तरीके से नॉकडाउन कर दिया है। और यहाँ पे लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश कर दिया है पटेल काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म में। मिस्टर अमीन ने यहाँ पे हेला को डाउन कर दिया है ग्रेनाइट में। यहाँ पर हम देखेंगे वो गेम प्ले भी, फिलहाल यहाँ पर रश हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 3 बंदे हैं, मौली डाली है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अफ़ान ने, और अफ़ान यहाँ पे ग्रेनाइट से डैमेज हो चुके हैं, जबकि पटेल यहाँ पे फायर करने के बिल्कुल तैयार है। अम्मा ने यहाँ पे हेला को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है, यहाँ पे पटेल का ज़बरदस्त स्प्रे और डेविल पूरी तरीके से यहाँ पर नॉकडाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और बंदा किलचोर ने यहाँ पर डेविल को फिनिश कर दिया है। दोस्तों जैसा नाम है वैसा ही किल चुरा लिया है। यहाँ पे सन्नी ने अम्मार को डाउन कर दिया है, अफ़ान ने यहाँ पे ईगल वरुण को डाउन कर दिया, और यहाँ पे पोचिंग की में दबदबा बनाया यहाँ पे टीम मिस्टर किलचोर का। जबकि यहाँ पे स्कूल के एक बार और अपार्टमेंट की तरफ नज़र कर ली जाए, 2 टीम के बीच में मुकाबला हो सकता है। दरबार की टीम यहाँ पर और यहाँ पर एक डार्क टीम, चलिए अफजू पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि एक तरफ गोल्ड ज़ारा यहाँ पे रश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही यहाँ पे प्लेस पे 5 बंदे हैं लगातार, जबकि यहाँ पे दरबार ने यहाँ पे डाउन कर दिया है फ्रैग को। 10 नंबर की टीम यानी कि थाइपर ताहिर की टीम के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कि वो यहाँ पर दोनों ही टीम को फिनिश कर सके। चलिए देखते हैं कौन किस पर ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल गोल्ड ज़ारा फ्री फायर देते हुए दरबार की टीम की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रैग को वापिस से एक बार नॉकआउट कर दिया है। हाइड्रा अमीन पूरी तरीके से रश करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नीचे के 2 प्लेयर है वो यहाँ पे अभी भी हिचकिचा रहे हैं। यहाँ पे अफजू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एक दोनों टीम में से कोई एक फिनिश हो जाती है तो हम अटैक कर देंगे। फिलहाल डार्क की टीम की यहाँ पर बात की जाए तो साउल मोइन को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है। डार्क कर्मा ने रावण को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। तरफ मौली एक तरफ और ये यहाँ पे ज़ारा की टीम पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज लेने आ चुकी है हाइड्रा हाइपर ताहिर की टीम। आप यहाँ पे देख सकते हैं रश करने के लिए तैयार है। फिलहाल एक बंदा पूरी तरीके से डाउन है, ताहिर की यहाँ पे ज़बरदस्त स्प्रे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ताहिर ने किस तरीके से अपना IQ लगाया और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो दोस्तों यह होता है एक सोच समझ करके खेलना। अगर आप
हाइपर होकर के खेलते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी इजीली दोस्तों उन्होंने दो टीमों के बीच में लड़ाई देखी और फिर एक टीम में जो दो मेंबर्स बचे थे आसानी के साथ उन्होंने फिनिश कर दिया और अपना जो रैंक है वो बरकरार रखा। फिलहाल यहाँ पर डार्क की टीम ओपन में जाते हुए अलग अलग गाड़ियाँ लेकर को रही है। यहाँ पर डार्क रेंजर ओपन में रुक चुके हैं लूट करने के लिए ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे गलत साबित हो सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्पॉट कर रही है टीम साकू। लेकिन चलिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलेगा क्योंकि डार्क की टीम पहुँच चुकी है यहाँ पे और काफ़ी सारी टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं पांच टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है जबकि मिस्टर किलचो ने यहाँ पे अल्फू को पूरी तरीके से स्पॉट कर लिया है। लेकिन एक भी गन कनेक्ट नहीं हो पाई, एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाई, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हो रही है। रोबोट यहाँ पे काफ़ी सही जगह पे स्पॉट कर रहे हैं। नईम पटेल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फायर दोस्तों, लकी को पूरी तरीके से नॉकआउट कर दिया है काफ़ी अग्रेसिव फॉर्म में। तीन किल के साथ अपनी टीम को यहाँ पे ऊंचाइयों पे ले जाते हुए पटेल का रश। मिस्टर किलचोर तैयार, अफान भी तैयार है। क्या लगता है BSR जोकर की टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। किलचोर तो यहाँ पे पहले से ही पहुँच चुके हैं अपनी बगी लेकर के सामने। BSR आमिर पटेल का ज़बरदस्त यहाँ पे एग्रेसिव फॉर्म, कौन किस पे हावी होता है। ग्रेनेड की तैयारी है यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेनाइट फटेगा तो सारे फटेंगे। फिलहाल अफान पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं, लगी भी डाउन हो चुके हैं। मिस्टर किलचो ने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अटैकिंग फॉर्म दिखाते हुए BSR जोकर पूरी तरीके से डाउन। नईम पटेल का ज़बरदस्त स्प्रे, यहाँ पे एक बंदा पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। रोबोट अल्फू ने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया जबकि मिस्टर किलचो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। देखते हैं अब दो बंदे फिलहाल पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, अफान और रोबोट और यहाँ पे BSR जोकर का अभी भी एक बंदा यहाँ पे शायद मुझे नीचे नज़र आ रहा है। दो बंदे अभी भी 2 vs 2, अल्फू पूरी तरीके से डाउन। मिस्टर पटेल 1 HP यहाँ पे, क्या यह आमिर को यहाँ पे फिनिश कर पाएंगे। अभी हीलिंग करे और यहाँ पे स्लो मोशन में ज़बरदस्त एंट्री पटेल की हीलिंग और यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश होते हुए BSR आमिर की टीम। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे देखने को मिली फाइट। अब अपार्टमेंट की तरफ भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक ही अपार्टमेंट में दोनों बंदे दोनों टीमें, क्या हो सकता है देखते रहें वीडियो में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। साकू की टीम की बात की जाए तो अभी भी वो PP गन लेकर के यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क रेंजर ने हाइपर ताहिर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है दोस्तों, तो देख सकते हैं ट्विस्ट कहीं से भी आ सकता है। फिलहाल 6 टीम और 15 मेंबर, ताहिर पूरी तरीके से यहाँ पे नॉकआउट। टीम साको की बात की जाए तो अब यहाँ पे क्योंकि जोन काफ़ी नज़दीक आ रहा है, अब दोनों ही टीम अपनी जोन में जाना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन सी टीम जोन में जाती है और कौन सी नहीं। फिलहाल डार्क की टीम पूरी तरीके से अग्रेसिव फॉर्म में दिख रही है लेकिन यहाँ पर अटैक नहीं कर रही है। ऊपर दो ही बंदे हैं, अगर ये अटैक कर देती है तो शायद इनका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। फिलहाल काफ़ी छोटा होता जा रहा है जोन सर्कल। यहाँ पे रैंगरोक ने यहाँ पे क्रेजी डेडमैन को पूरी तरीके से डेड कर दिया है जबकि यहाँ पे साकू की टीम अभी भी सरवाइव कर रही है। स्टार्टिंग से यहाँ पे साकू की टीम अपार्टमेंट में ही लूट कर रही है, अपार्टमेंट से ही हमले कर रही है। ये लोग काफ़ी यहाँ पे IQ से काम ले रहे हैं, गड्डी निकाल रहे हैं और यहाँ पे वापस से उसको बंद कर रहे हैं जबकि यहाँ पे साकू के पास कोई भी यहाँ पे हीलिंग सामान नहीं है तो इनका बचना तो काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे डार्क टीम इनकी आंखों के सामने से गाड़ी चुरा करके निकल गई और मुझे शायद लगता है कि अब यहाँ पे टीम साकू का बचना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे किसी ने इनके लिए गाड़ी छोड़ी ही नहीं। काफ़ी दुख हुआ होगा यह देख कर के कि हमारी टीम यहाँ पे जोन में फंस चुकी है, सभी टीम जोन में एंटर हो चुकी है। डार्क यहाँ पे अपनी चतुराई से गाड़ी चुरा करके जोन की तरफ एंटर होती हुई। दूसरी तरफ यहाँ पे एक और टीम प्ले जोन में यहाँ पे साकू पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों गलती यहाँ पे कहाँ हुई, आप सीख सकते हैं इस वीडियो को देख करके। यहाँ पे रश कर देना चाहिए था क्योंकि रश करते तो एक टीम यहाँ पे रहती, चाहे करो या मरो का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और टीम साकू पूरी तरीके से फिनिश हो गए। ऊपर एक मेंबर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एविल यहाँ पे ऊपर बंदे रश करने के लिए तैयार। एविल यहाँ पे ग्रेनाइट डाले जा रहे हैं,
क्या लगता है। चलिए स्लो मोशन में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल ग्रेनाइट डालते हुए, लेकिन यहाँ पे ताहिर का जबरदस्त एग्रेसिव फॉर्म स्ट्राइक यहाँ पे भिड़ चुके हैं और एविल को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। दोस्तों एक अकेला बंदा था, लेकिन ग्रेनाइट फटने की वजह से यहाँ पे स्ट्राइकर पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं। मरने के बाद भी दोस्तों एविल ने नॉक कर दिया अपने ग्रेनाइट से। तो देखिए दोस्तों एक ग्रेनाइट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एविल फिनिश हो चुके थे, फिर भी यहाँ पे वो लोग स्ट्राइकर को डाउन कर दिए। अब यहाँ पे प्ले जोन में यहाँ पे क्रेजी सॉबी भी यहाँ पे डाउन हो चुकी है, यानी कि टीम साहब को पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। यही दोस्तों छोटी छोटी गलती आपको टीम में काफ़ी बड़ी गलती होती है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हो जो टीम को भुगतना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे ओपन में पड़ता है ड्रॉप लूटते हुए। आखिर में ड्रॉप लूटना एक समझदारी वाली बात नहीं है। स्ट्राइकर यहाँ पे ओपन में रुक रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि करबान ने यहाँ पे पिक कर लिया है अफजू को और यहाँ पे डाउन कर दिया है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैग अभी भी यहाँ पे टीम नंबर 10 को, यानी कि हाइपर को यहाँ पे फिनिश करने की सोच रही है। काफी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मैं कहूँगा गलती कर रहे हैं। मिस्टर किल चोर ने यहाँ पे डीएसपी को डीपी से डाउन कर दिया है, काफी किल चुरा रहे हैं दोस्तों। अफजू की बात की जाए तो यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं। फिलहाल पटेल यहाँ पे स्प्रे करने को तैयार। पुष्पा बाऊ यहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं, जबकि यहाँ पे फ्रैग ने अफजू को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला। एक तरफ किल चोर यहाँ पे पुष्पा की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे डार्क ने एक बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे अब लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हाइपर ताहिर ने किल चोर ने यहाँ पे ज़बरदस्त स्प्रे और पुष्पा को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे दो किल के साथ मिस्टर किल चोटेल ने यहाँ पे पूरी तरीके से स्पॉट कर लिया है हाइपर ताहिर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। तीन टीम के बीच में मुकाबला हो रहा है, फाइट हो रही है और यहाँ पे पटेल भी पीछे बैठे हैं। यहाँ पे कर्मा को पूरी तरीके से डाउन कर दिया, मिस्टर किल चोर ने डीपी से डाउन कर दिया स्ट्राइकर को और यहाँ पे डीपी से मुझे लगता है इन्होंने फिनिश ही कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे किल चुराते हुए मिस्टर किल चोर यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन पे बने हुए हैं। यहाँ से आसानी के साथ दोनों ही टीम को यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आगे भी बढ़ रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फायरिंग हो चुकी है। फ्रैग पूरी तरीके से 2 HP पे यहाँ पे और ये डाउन हो चुके हैं। हाइपर ताहिर काफी जबरदस्त स्प्रे लगाते हुए, हाइपर ताहिर भी पूरी तरीके से यहाँ पे जबरदस्त प्ले, एक टीम के बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। ताहिर की जबरदस्त सोच यहाँ पे जोन आ रहा है, कौन बचेगा कौन नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे हम ऊपर से आपको व्यू बता देते हैं, तो डार्क की टीम के दो बंदे यहाँ पे जोन के बाहर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सर्वाइव कर पाता है। ताहिर का जबरदस्त प्ले और डार्क लूसी पूरी तरीके से यहाँ पे 2 HP हो चुके हैं और यहाँ पे कर्मा यहाँ पे गाड़ी से ही मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गाड़ी ठोक दी और ये भी ठुक गए। और हाइपर ताहिर और लूसी के बीच में मुकाबला, लूसी यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन और यहाँ पे मुझे लगता है ये फिनिश कर देंगे हाइपर ताहिर। एक तरफ किल चोर यहाँ पे पिक लेकर के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो किल चोर है उनकी लोकेशन काफी अच्छी है। हाइपर ताहिर काफी ऊंचाइयों पे हैं और यहाँ पे ऊंचाइयों पे स्पॉट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिलहाल पटेल यहाँ पे देख सकते हैं ताहिर पूरी तरीके से स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 1 HP छोड़ दिया है मिस्टर किल चोर ने। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मुकाबला, आर्यन पूरी तरीके से डाउन है, रिवाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइपर ताहिर वहाँ से पूरी तरीके से पिक लेकर के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे स्मोक डाल करके रिवाइव करने का चांस मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे कर्मा यहाँ पे मरने वाला है मुझे लगता है। चलिए यहाँ पे पटेल जी, हाँ ताहिर का जबरदस्त ग्रेनाइट और यहाँ पे डार्क कर्मा पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। काफी जबरदस्त और काफी लॉन्ग यहाँ पे ग्रेनाइट डालते हुए मिस्टर ताहिर। यहाँ पे किल चोर की बात की जाए तब हाइपर ने पूरी तरीके से यहाँ पे अटैक कर दिया है और हाइपर ताहिर को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब दो टीम के बीच में मुकाबला, पटेल मिस्टर किल चोर और यहाँ पे की टीम स्पॉट तो कर लिया है दोस्तों। जोन भी आ रहा है एक तरफ से, क्या लगता है कौन जीत पाएगा 2 vs 1 का मुकाबला। देखते हैं यहाँ पे कौन कितना सर्वाइव कर पाता है। फिलहाल जोन आ रहा है, डार्क यहाँ पे क्या कर रहे पता नहीं चल रहा, लेट जा रहे हैं जबकि जोन आ रहा है। पूरी तरीके से अटैकिंग कर देना चाहिए, करो या मरो की स्थिति। किल चोर यहाँ पे अंदर घुस रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये भी यहाँ पे लगता है मुझे
कि काफी जबरदस्त यहाँ पे मुझे लगता है फाइट नहीं होने वाली यहाँ पे, ये जोन से ही मर अच्छा जाएंगे। हीलिंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे पटेल, और यहाँ पे जी हाँ प्ले जोन की वजह से यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्टर किल चोर और पटेल ने यहाँ पे काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया है। 13 किल के साथ इनकी टीम ने चिकन डिनर ले लिया है। इनको काफी बधाई हो। और इस वीडियो से आपको देखने और सीखने को भी मिला होगा कि हम कहाँ गलती करते हैं और किस तरीके से हमें खेलना चाहिए। तो बस दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख लीजिए वीडियो में। बस इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।